हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को हर साल रिलीज़ किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है और हर साल ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। 2002 से हर साल इसको पब्लिश किया जा रहा है, इस इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ये एक पेरिस बेस्ड इंडिपेंडेंट एनजीओ है जो कि यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, काउंसिल ऑफ यूरोप, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रेंकोफोनी के साथ मिलकर कंसल्टेटिव स्टेटस में ये काम करता है। इसके अलावा ये इंडेक्स कंट्रीज और रीजन्स को रैंक करता है जो फ्रीडम, किस लेवल की फ्रीडम वहाँ के जर्नलिस्ट को प्रोवाइड की गई है उसके बेसिस पे ये कंट्रीज की रैंकिंग इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। हालांकि ये इंडिकेटर कहीं पे भी जो जर्नलिज्म है उसकी क्वालिटी को इंडिकेट नहीं करता है। इसके अलावा ये इंडिकेटर, ये इंडेक्स कंट्रीज और टेरिटरीज को 5 इंडिकेटर्स के बेसिस पे इवेल्युएट करता है। कौन कौन से वो 5 इंडिकेटर्स? तो वो है आपका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सेफ्टी। इन 5 इंडिकेटर्स के बेसिस पर इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो कंट्रीज हैं उनको रैंक प्रोवाइड की जाती है। आगे बात करते हैं और 2002 में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस थी उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी 2002 में, उसमें 8 प्लेसेस की गिरावट देखने को मिली है। इंडिया की प्लेस जहां 2021 में 142 थी तो 2022 में वो गिर के हो गई है 150। टोटल कंट्रीज जो इसमें हैं इंक्लूडेड वो 180 हैं। 180 कंट्रीज में इंडिया की रैंक है 150। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया के कारण गिर गई, जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता को संकट की स्थिति में पहुंचा दिया। भारत में मीडिया अधिक लोकतांत्रिक माने जाने वाले देशों में तेजी से सत्तावादी या राष्ट्रवादी सरकार के दबाव का सामना करना पड़ता है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा यह अपने नीतिगत ढांचे के लिए भी भारत को दोष देता है, जो सैद्धांतिक रूप से सुरक्षात्मक है, लेकिन मानहानि, देशद्रोह, अदालत की अवमानना और सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोपों का सहारा लेता है और उन्हें राष्ट्र विरोधी के रूप में ब्रांडिंग करता है। इट ऑल्सो फ्लॉन्ट्स इंडिया फॉर इट्स पॉलिसी फ्रेमवर्क विच इज प्रोटेक्टिव इन थ्योरी बट रिजॉर्ट्स टू यूजिंग चार्जेस ऑफ डिफेमेशन, सेडिशन, कॉन्टेंट ऑफ कोर्ट, इंडेंजरिंग नेशनल सिक्योरिटी अगेंस्ट जर्नलिस्ट, क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट, ब्रांडिंग देम एज एंटी नेशनल। मतलब ये जो पत्रकार हैं उनके बारे में ये लिखा गया है कि उनको सरकार उनके ऊपर डिफेमेशन के केस लगा देती है, सेडिशन के लगा देती है, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, उसके नाम पे सरकार के द्वारा जो जर्नलिस्ट हैं उनको एंटी नेशनल ब्रांड किया जाता है, उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। और इसी कारण इनके इंडिया की जो रैंक है वो उसमें 8 प्लेसेस की गिरावट देखने को मिली है। आगे बात करते हैं और बाकी कंट्रीज में इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो जो टॉप किया है इस इंडेक्स में वो किया है नॉर्वे ने, सेकंड पोजीशन पे है डेनमार्क, थर्ड पे है स्वीडन, फोर्थ पे एस्टोनिया, फिफ्थ पे है आपका फिनलैंड। ये टॉप है, टॉप 5 हैं इस इंडेक्स में। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया जो है वो इस लिस्ट में सबसे निचले पायदान पे है, सबसे बॉटम है 180 कंट्रीज़ में। इसके अलावा रशिया जो कि इंगेज है आपका यूक्रेन के साथ वॉर में, वो 155th पोजीशन पे है इस इंडेक्स में। आगे बात करते हैं और इंडिया के नेबर्स जो हैं वो किस पोजीशन पे हैं वो भी देख लेते हैं। नेपाल की जो पोजीशन है उसमें 30 पॉइंट तक का क्लाइम देखने को मिला है, उछाल देखने को मिला है और उसकी जो ग्लोबल रैंकिंग है वो 76th पोजीशन पे है। इसके अलावा पाकिस्तान की पोजीशन इस इंडेक्स में 157 है, श्रीलंका की 146 है, बांग्लादेश की 162 है और म्यांमार की 176 है। वहीं चाइना की पोजीशन इस इंडेक्स में 175 है। यानी कि जो इंडिया के बॉर्डरिंग नेशंस हैं, जो भी नेबर्स हैं हमारे, उसमें नेपाल जो है सबसे ज़्यादा रैंकिंग में आगे है और उसकी जो पोजीशन है वो 76 है। आगे बात करते हैं और जानते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्या के बारे में थोड़ा सा। देखिए, ये इसको प्रोक्लेम किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1993 में और इसको रिकमेंड किया गया था यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस में 1991 में। इसके अलावा ये दिन चिन्हित करता है विंडहोग डिक्लेरेशन को जिसको अडॉप्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा
इसके अलावा इसका ये एम है क्या कि डेवलपमेंट ऑफ फ्री इंडिपेंडेंट एंड प्यूरलिस्टिक प्रेस, ठीक है। इसके किस क्या नाम, इस डे का जो एम है इस दिन को मनाने का, तो वो है क्या, एक फ्री इंडिपेंडेंट और प्यूरलिस्टिक प्रेस का निर्माण करना, ये इस दिन को सेलिब्रेट करने का, इस दिन को मनाने का मेन रीज़न है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।